बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का कुरान पाक में जा बजा तज़किरा फरमाया है। कहीं इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल ज़ाया न करो। एक और मकाम पर इरशाद हुआ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह। ए नबी, आप फरमा दीजिए कि लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन तुतीउहु तहतदू, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम किसी मोमिन के लिए आमाले सालिहा का बुनियादी जुज है। रब ताला ने अपने रसूल की इताअत में अपनी इताअत को भी जम करते हुए फरमाया, मैं युतिर रसूल फ़कद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। किसी ने क्या खूब कहा, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अल्लाह ताला ने कहीं पर इशारा फरमाया कि इताअत करो और कहीं फरमाया कि इत्तिबा करो, तो ये इताअत और इत्तिबा क्या चीज़ है? उलमा फरमाते हैं, इताअत का मानी है फरमा बरदारी करना, हुक्म पर अमल करना और कहना मानना, और इत्तिबा का मतलब है पीछे पीछे चलना, नक्शे कदम पर चलना, पैरवी करना। गोया इताअत इस चीज़ का नाम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की जाए, आपके फरामीन पर अमल किया जाए, जिन कामों से आपने रोका है उन कामों से इज्तनाब किया जाए। और इत्तिबा ये है कि आपकी सुन्नतों पे अमल किया जाए, आपकी पैरवी की जाए, वो फरमाएं या ना फरमाएं, आपकी हयात तय्यबा का मुतालिया करें और उसकी पैरवी करें। अल्लाह ताला हमें इताअत और इत्तिबा, इन दोनों आमाले सालिया को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। नेकी के काम में ताउन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए फैज़ान इस्लामियात इस्लामिक चैनल। Thank you.